व्हाट्सएप पे कचरा के उतरता है, उसे इतिहास मान के प्रारंभ हो जाता है। आए हाय, आए हाय। गांधी को गाली देते हैं वो जिनके खुद के पता नहीं कि क्या क्या किए हैं उन्होंने। आए हाय, आए हाय, हाय 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 हाय। और जिन्होंने हाथ बांधे हो, जो जवान लड़के सोचते हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं, गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है कि गांधी का कलेजा कैसे होता है। आए हाय, क्या कहने। आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब पढ़ी है? ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पॉटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो? क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पॉटी करी है जो उन्होंने भेजी है आपको। अच्छी बात। 1932 में पत्रकार लिखें और इस बात को फेसबुक पे लिखना, मैं फर्जी राष्ट्रवादी नहीं हूं कि आपको कोई झूठ बोल के चला जाऊं। 1932 में गोलमेज सम्मेलन में गए थे बापू, और इंग्लैंड के महाराज ने उनसे मिलने की मंशा जाहिर की। चर्चिल कहता था अधनंगा फकीर है, हर अहंकारी ऐसा ही कहता है सत्य को। रावण भी कहता था कि फकीर है, ये कौन तपस्वी है, इसके साथ ये औरत क्यों रहनी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए। चर्चिल भी कहता था अधनंगा फकीर है। तो राजा ने कहा कि बुलाओ मिलने के लिए गांधी को। तो आप कभी राजभवन गए हो मिलने के लिए राज्यपाल जी से, राष्ट्रपति जी से मिलने गए हो, तो वहां एक प्रोटोकॉल मिलता है, राष्ट्रपति जी को छुएंगे नहीं, इतनी दूरी पर बैठेंगे, जब इशारा कर देगा एडीसी तो आपको उठना पड़ेगा, ऐसा मिलता है ना प्रोटोकॉल। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था, और जिस इंग्लैंड का मैं राजा कह रहा हूं वो आज का इंग्लैंड नहीं, 2/3 दुनिया का मालिक। यूनियन जैक के नीचे पूरी 2/3 दुनिया थी। उसके एडीसी ने लिखकर भेजा कि ग्रे कलर का कोट या ब्लैक कलर का कोट पहनकर आप आए। गांधी पहुंचे बर्किंगम पैलेस के अंदर, बग्घी गई, दरवाजा खोला गया तो हिंदुस्तान का 156 इंच का सीना अकेली एक धोती में, यूं ही अधनंगा। एडीसी ने जाकर कहा अंदर जाके कि साहब वो तो कपड़े पहन के नहीं आया। तो जॉर्ज पंचम बोला कि चर्चिल कहता तो था नंगा है पर इतना नंगा है। हाँ सच है, आप पढ़िए। गांधी से मिले कि ना मिले, एडीसी ने पूछा सर बुलाऊं का वापस भेज दूं। राजा को मस्खरी सूझी। राजा ने कहा देखे तो सही कौन आदमी है, पूरा देश खड़ा कर दिया आपने पीछे। उसने कहा बुलाओ अंदर। आया, दुनिया के सबसे बड़े आदमी के सामने हिंदुस्तान का सबसे कमजोर आदमी खड़ा है, और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी को गोली। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं, क्या बात। और राजा ने पूछा मुस्कुराते हुए गांधी से, एक धोती में गांधी खड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट में सोच के देखना वो दृश्य है। आज ये जरा जरा सी बात पर अमेरिका के सामने घिग्गी बांधने वाले, चीन के सामने घुटने टेक देने वाले, जरा जरा सी घुड़की पे बिल में अंदर घुस जाने वाले नेतृत्वों से पूछना चाहता हूं, चाहे इनकी सरकार का हो चाहे उनकी सरकार का हो। 1932 में गांधी खड़ा है इंग्लैंड में राजा के महल में अकेला। राजा ने पूछा वेल मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहां गए? बिना कांपे यूरेनियम से बने हुए, प्लेटिनम से बने हुए, डायमंड से बने हुए सीने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीर ने कहा। जो सेंटेंस बोला उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, नापने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। उसने कहा हिंदी में सुनाता हूं जो अंग्रेजी में कहा, नॉट इवन माइन, तुम्हारे कपड़े कहां गए? उसने कहा मेरे छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े तो चुरा कर आपने पहन लिए। इसके लिए कलेजा चाहिए। आपका चाचा अच्छा हो सकता है, आपके बाप अच्छे हो सकते हैं, पर इससे मेरा बाबा बुरा कैसे हो गया यार? आप अजीब आदमी है भाई, क्या कहने।